हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर के बीच। तो ये एक डिज़ाइनिंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो पहले यूआई और यूएक्स इन दोनों का फुल फॉर्म जानते हैं। UI stands for user interface and UX stands for user experience। तो अगर पहले डिफरेंस को देखें तो जो UI डिज़ाइनर होता है वो किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट के यूज़र इंटरफेस को क्रिएट या तो डिज़ाइन करता है। अब हम जितना भी डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सपोज़ अगर वेबसाइट हो गया, कोई एंड्रॉयड या तो iOS एप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हर एक में हमको एक यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है जिससे कि यूज़र डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो इंटरफेस होता है इसको डिज़ाइन करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए जिसको हम कहते हैं UI डिज़ाइनर। और अगर UX डिज़ाइनर की बात करें तो ये है यूज़र एक्सपीरियंस। तो नाम से ही पता चल रहा है, यूज़र्स के एक्सपीरियंस को जो बेहतर बनाता है उसी को हम कहते हैं UX डिज़ाइनर। तो यहाँ पर जो UX डिज़ाइनर होते हैं वो मेनली यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करते हैं और यूज़र्स के डेटा को और उनके फीडबैक को एनालाइज करने के बाद अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसी के हिसाब से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन किया जाता है। अब सेकेंड डिफरेंस में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक यूएक्स और यूआई दोनों तरह के डेवलपर्स कैसे वर्क करते हैं। तो सपोज़ अगर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाता है, सपोज़ कोई एप्लीकेशन हो गया या तो वेबसाइट, तो उसके पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च वगैरह भी करना पड़ता है। सपोज़ यूज़र्स का कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसके अलावा कुछ फीडबैक भी लिया जाता है। अब ये फीडबैक्स यूज़र रिक्वायरमेंट्स, एक्चुअल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इसके अलावा यूज़र्स एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को और इन सारे डेटा को एनालाइज करता है एक यूएक्स डिज़ाइनर और अपने एनालिसिस के बाद वो एक डॉक्यूमेंट या तो रिपोर्ट बनाता है जिसके ऊपर जाके जो अल्टीमेट प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है और इसी रिपोर्ट को वो यूआई डिज़ाइनर को देता है और बाद में यूआई डिज़ाइनर इस रिपोर्ट के ऊपर बेस करके अपना जो यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन है वो क्रिएट करता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूएक्स डिज़ाइनर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यूआई डिज़ाइनर का भी रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी तरह के यूआई को डिज़ाइन करने के लिए। अब जानते हैं थर्ड पॉइंट को। जो यूएक्स डिज़ाइनर होता है उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर यूज़र कैसे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और उसमें यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, इसी के ऊपर मेन फोकस होता है एक यूएक्स डिज़ाइनर का। तो अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम यूज़र्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उन सभी को वो एज ए फीडबैक लेता है और लेने के बाद अपने नेक्स्ट वर्जन में, यानी कि नेक्स्ट प्रोडक्ट वर्जन में उसको अपडेट करता है। और वहीं अगर यूआई डिज़ाइनर की बात करें तो यूआई डिज़ाइनर मेनली यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही जितना भी वर्क रहता है वो करता है। तो यहाँ पर एक इंटरफेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़र्स को पसंद आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है, तो वहाँ पर तो उन सभी को एज ए फीडबैक लेके यूआई डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन में चेंजेस करता है। और लास्ट में आपको एक एग्जांपल दूंगा और इस वाले एग्जांपल्स के थ्रू आप पूरे समझ जाएंगे कि एक यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर क्या रोल प्ले करता है एक कंपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सपोज़ कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी म्यूज़िक ऐप को क्रिएट करने वाला है तो वहाँ पर जो पूरा डेवलपमेंट टीम है वो बैठ के पहले उसको रिसर्च करेगा उसके ऊपर और वहाँ पर वो सभी मिलके एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और उस प्रोटोटाइप को कुछ सिलेक्टेड यूज़र्स को दिया जाएगा और उन सिलेक्टेड यूज़र्स का डेटा या तो फीडबैक जो एनालाइज करेगा वो होगा UX डिज़ाइनर। और इन सभी एनालिसिस करने के बाद क्या उसमें लिमिटेशंस है, क्या क्या और न्यू रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं यूज़र्स का और क्या न्यू चेंजेस करने पड़ेंगे, ये सभी को एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा और उस फाइनल रिपोर्ट को वो डेवलपर्स और डिज़ाइनर के पास सबमिट करता है। और इसके बाद जाके उस रिपोर्ट के थ्रू जो अल्टीमेट यूआई डिज़ाइनर होगा वो अपना डिज़ाइन रेडी करेगा और उस वाले डिज़ाइन को दिया जाएगा डेवलपर्स को और डेवलपर्स क्या करेंगे उस डिज़ाइन के ऊपर बेस करके अपना कोड लिखेंगे। तो इस वाले पूरे प्रोसेस के बाद जो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा जो कि दिया जाएगा यूज़र्स को। तो इससे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर के बीच में क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलता है।
तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।